नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन से जुड़ी सरकार की नीतियों ने करोड़ों लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बना दिया है। प्रधानमंत्री ने विकास के अवसर सृजित करने, वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाना विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का मुद्रा ऋण वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार 40 लाख रेहड़ी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि योजना में बैंकिंग क्षेत्र का सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन ने करोड़ों लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था के तहत लाने में मदद की है। अमृतकाल बजट ने भारत के विकास के लिए सर्वसमावेशी वित्तीय क्षेत्र का रोडमैप तैयार किया है। करोड़ों लोगों को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बना दिया है। बिना बैंक गारंटी 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मुद्रा लोन सरकार ने, ये बहुत बड़ा काम नौजवानों के सपने पूरे करने में सार्थक काम किया है, मदद की है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 40 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले छोटे दुकानदारों को पहली बार बैंकों से मदद मिलनी संभव हुई है। आप सभी स्टेक होल्डर्स को कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम करने, स्पीड ऑफ क्रेडिट को बढ़ाने और स्मॉल एंटरप्राइज तक तेजी से पहुंचाने के लिए भी प्रोसेस को री इंजीनियर करना बहुत जरूरी है और उसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत मदद कर सकती है। और तभी भारत के बढ़ते बैंकिंग सामर्थ्य का ज्यादा से ज्यादा लाभ भारत के गरीबों को होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में भारी कर व्यवस्था की बात होती थी, लेकिन आज स्थिति परिवर्तित हो गई है। उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी के बावजूद कर संग्रह बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कर आधार में वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि लोगों का सरकार में विश्वास है।